उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया मुस्लिम का अहमद का त्रिमेदी का वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं कि वो सही है क्या नहीं आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता नहीं तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी मुस्लिम अहमद त्रिमेदी सही है क्या नहीं हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगंबर मोहम्मद वसल्लम ने फरमाए थी हदीस तीन किस्म के होते हैं सही ज़ैफ़ और मौजू सही मतलब पुख्ता ओथेंटिक मतलब वीक मतलब कमज़ोर मौजू मतलब गड़ी हुई कंकॉक्टेड जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है ये दोनों किताबें सही मुस्लिम और बुखारी उनमें से सौ फ़ीसद जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है दे ऑथेंटिक बाकी जो किताबें हैं सिया के सियात्स्ा के त्रिमेजी अबू दाऊद इब्न माजा और सुन्नसाई ये चार जो किताबें हैं खुतबा के इनमें से अक्सर हदीस सही है लेकिन चंद हदीस इसमें सहीफ है इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम शेख नासुरबानी रहीमुल्ला उनने इन पर तहकीक और दो अलग जिल्द बनाए सही अबू दाऊद जयीफ अबू दाऊद सई त्रमेज़ी ज़ीफ़ सही सुन्नन सुन्नसाई ज़ीफ़ सुन्नन नसाई इस तरीके से तकसीम किया ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है लेकिन कुछ जयीफ हदीस भी है तो अगर आप जानना चाहते कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का आप आंख बंद करके समझ सकते ये सही है लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद तिरमेजी का सुन्नन नसाई का इब्ने माजा का आप सोच सकते अक्सर सही होंगे लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासबानी की किताब के बारे में तहक़ीक़ कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें से ज़ैफ़ है और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है क्या नहीं तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है वो बुखारी है सही बुखारी है उसके बाद सही मुस्लिम है और बाकी के चार किताबों का मुताला करना चाहिए उनमें से अक्सर हदीस सही है तो तो क्वेश्चन